सो फाइनली वो दिन आ गया, हम वापस जा रहे हैं मुंबई। और अभी बजा है 5:05, काफ़ी अच्छा सूरज निकला है, मतलब कि ब्यूटीफुल सा सनराइज़ हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास मेरे ख्याल से 4:30 के आसपास ही हो जाता होगा सनराइज़, 1 घंटे का डिफरेंस तो है। चलिए जाते हैं, अभी अभी तक कहाँ आई नहीं है। प्लेन है हमारा 7 बजे का। ये हमारी बाइक, यहाँ पर जल्दी जाते हैं। सो अभी 1 घंटे के अंदर अंदर बोर्डिंग चालू होने वाला है हमारा। तो 7:20 का टाइम है, और यहाँ से जब कोलकाता पहुँचेगी वहाँ से 9, उधर 2 घंटे का और ले ओवर है, तो फिर जाते जाते करीब करीब 1:12 बज जाएंगे। तो घर पॉसिबल से मेरे ख्याल से शाम हो जाएगा 4:05 बजे। तो एक और चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हो, अच्छा यही होगा कि आप अपना डबल डोज ले लो, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, वरना RT-PCR टेस्ट का झमेला रहता है, हर जगह पे रहता है। तो ये जो है, मिलते हैं आपको सीधा फ्लाइट पे, मिलते हैं अभी। और सज्जनों, कृपया ध्यान दें कि रो 1 से 5, 12 और 14 केवल हॉट सीट अतिथियों की, कृपया अपने बोर्डिंग पास पर लिखे हुए सीट नंबर के अनुसार बैठे रहें। हम विमान के वजन और संतुलन पर a place where you can run free, time does not exist, take a chance when the world before us falls under our face. यहाँ पे 2 घंटा और है, देखते हैं क्या कर सकते हैं 2 घंटे में। फिलहाल बैठे यहाँ से, टेक ऑफ लैंडिंग सब हो रहा है, बढ़िया जगह है। लेकिन अभी जाने का फ्लाइट है कोलकाता से मुंबई, वो 2 घंटे का रहने वाला है, तो दिमाग ख़राब होने वाला है। 2 घंटे के फ्लाइट में दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। ये 40 मिनट का था और 25 मिनट पहले पहुँचा दिया इसने, मतलब 1/2 घंटे में ख़त्म कर दिया इसने। बहुत ही बढ़िया फ्लाइट था और क्या स्मूथ लैंडिंग किया। अरे मैं ऐसा बहुत बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, लेकिन पहली बार मैंने नोटिस किया कि इतना स्मूथ लैंडिंग किया ना, मज़ा आ गया। होता क्या ख़तरनाक लैंडिंग किया, बहुत ही मज़ा आया, तो लगा ही नहीं कि लैंड हो गया सही में। जल्दी आते, अभी कुछ खाएंगे शायद, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से, कुछ खाते अभी देखते। वैसे आज गणेश चतुर्थी है ऑब्वियसली, इसलिए मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ, तो आज के लिए नॉनवेज नहीं खा सकते। लेट्स सी।
दिस इज इंटरेस्टिंग मैन, सुखोई 30 MKI है वो एक्चुअली इधर ढंग से। अच्छा ये एक्चुअली फैन है जो एली, अच्छा बहुत सही है यार। IAF इंडियन एयरफोर्स भाई साहब। अरे राफेल, ये अपना राफेल है, बहुत सही यार। ये सुखोई, ये शायद एवॉक्स है जहाँ तक मेरे को आइडिया आ रहा है। अच्छा ये दिख रहा नहीं है एक्चुअली ढंग से। बिरिवर A50, इनको एवॉक्स जहाज भी कहते हैं मेरे ख्याल से, बहुत सही है। अच्छा हाँ यहाँ पे राफेल है, ये चिनुक है क्या, पता नहीं मेरे को ये कौन सा। नहीं अपाचे, अच्छा हाँ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, हाँ बहुत सही। और ये अपना ग्लोब मास्टर है क्या, नहीं शायद नाम दिया था पता नहीं मेरे को, देख के तो ग्लोब मास्टर ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ ये अपना, ये अपाचे AH-64। अरे यार ये दिख रहा नहीं है ढंग से एक्चुअली, बहुत सही। काफ़ी बढ़िया बनाया है एयरपोर्ट को। गुवाहाटी एयरपोर्ट थोड़ा सा मतलब उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ये एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोमो ब्रेकफास्ट, वेज मोमो। फाइनली वी आर इन मुंबई आफ्टर 9 months 4 days अप्रॉक्स। मुंबई आई होप कि आप RT-PCR टेस्ट करने को ना बोले, एटलीस्ट जिनका 2 वैक्सीन हो चुका है। तो ये यहाँ का टैक्सी लाइन है, ऑटो लाइन है, जो भी आप कह सकते हो। प्राइवेट कार वगैरह को पिकअप करने आए तो यही आना पड़ेगा। और मौसम ऐसे ही रहता है मुंबई का, एटलीस्ट इस टाइम पे तो शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही, वरना मोस्टली तो बारिश ही होती है। फाइनली घर पहुँच चुके हैं, मेरे बाल बढ़िया दिख रहा है लेकिन घर बढ़िया नहीं दिख रहा। जब आप घर पे 9 महीने नहीं होते हो तब ये होता है। और ये है नज़ारे, बारिश स्टार्ट हो चुका है फिर से।